वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज हमारा पेरिस में है लास्ट डे। अभी हम लोगों का थोड़ी देर में चेकआउट वगैरह भी है, फिर हमारी इवनिंग की फ़्लाइट है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है कि अपने अपार्टमेंट के पास ही एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ स्पेसेस जो भी आसपास है। फिर उसके बाद हमारी जो है कि यहाँ से हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, तो फिर चलो चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है कि टाइम पास कर रहे हैं, आसपास देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और देख सकते हैं। फिर उसके बाद इवनिंग में हमारी फ़्लाइट है, तो फिर चलेंगे यहाँ से। तो ये हम आ गए हैं सीन रिवर के पास। चीको बेबी लव यू। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नॉटे डैम, और फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे। ये जो सीन रिवर है काफ़ी बड़ी है, पूरी सिटी को ही कवर कर लेती है बीच से। काफ़ी लोग हैं यार, इसमें तो बुकिंग ही जल्दी नहीं हो पाती है। यहाँ से हम कुछ परचेज कर लें, कुछ यादगार सा। मैग्नेट वाला ये जो फ्रिज पे चिपका देते हैं ना, ये वाले, इसमें सब कुछ कवर है। इसमें आईफिल टावर भी है, इसमें ये भी है। अरे तो चिको पापा ने एक निशानी ले ली है पेरिस की, उसमें सब कुछ है ताकि हमें याद रहे जब देखे उसे कि हम यहाँ आए थे। यहाँ के पेड़ पौधे ना इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, कि जो पेरिस की ब्यूटी है इन्हीं से ही है। देखो ना इस पर कितने अच्छे अच्छे से वो हैं, फूल लगे हुए हैं, और ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं मुझे। तो जो हमने फ्रिज मैग्नेट लिया है वो 3 यूरो का लिया है, और ये हम आ गए हैं देखो कैथेड्रल। तो इस कैथेड्रल में जो है कि 2019 में आग लग गई थी, उसके बाद से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये बन रहा है। और तो अंदर इसकी एंट्री नहीं है, लेकिन बाहर से उधर से शायद लोग देख रहे हैं जितना ये अभी दिख रहा है, जो कि मतलब अभी ठीक ठाक एक्सप्लोर करने वाला है। ये देखो सामने से इसका ये व्यू है, और इसके पास आसपास देखो यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट कर रखी है, लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, उसका व्यू ले रहे हैं। Thank you.
तो ये जलने के बाद कुछ ऐसा हो गया था, इतना डिस्ट्रॉय हो गया था ये। सब देख कितना खराब हो गया था ये बन रहा है। ये देखो अंदर की ब्यूटी, इसका कुछ ऐसा व्यू आता है। पूरा बन जाएगा तब देखो कितना सुंदर लगेगा। और वहां देखो चीकू लगा पड़ा है, कबूतरों को खा रहे हैं कबूतरे, उसे देख रहे हैं। ये हुआ, आप खाना खिला रहे हो चिकू, आप खाना खिला रहे हो इन्हें खाना खिला रहे हो। चिकू एंजॉय कर रहा है पिजन के साथ। ये पिजन ही है ना, यहाँ वैरायटी बहुत है पिजन्स की, कलरफुल बहुत है। यस हाँ, बात कर लो, बात कर लो, कर लो उनसे बात कर लो। देखो बुला रही है आपको, बुला रही है, जाओ बुला रही है, जाओ जाओ जाओ, हाँ बुला रही है, जाओ। अरे वो तो हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही है जी को। आइए आइए, तो अभी हम ये कैथेड्रल से निकल रहे हैं, और तो थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। किड्स के साथ पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते आप पेरिस, फिर भी काफ़ी कुछ हमने कवर किया है, और चीकू ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, हमें कोऑपरेट किया है। तो यहाँ मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है आज का, मतलब वेदर हमने देखा था मॉर्निंग में तो बारिश था आज, तो मॉर्निंग में तो बारिश हुई थी यहाँ पे, फिर थोड़ा धूप निकल आया था अभी, अभी फिर दोबारा मौसम ख़राब सा लग रहा है, और हमें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपना लगेज वगैरह ले लेते हैं और फिर एयरपोर्ट पर ही वेट करते हैं, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ से एयरपोर्ट भी दूर है, वहाँ जाने में हमें कम से कम तो जो टाइम लगेगा कम से कम 1 घंटा लगेगा, और अगर ट्रैफिक मिल गया तो ज़्यादा भी लग सकता है। और वेदर देखो कितना ख़राब सा हो रहा है, आज तो था ही बारिश, मैं दिखाती हूँ, देखो काले काले बादल ये है। Tigers play too rough. Don't wanna be a lion. Lions ain't the kind you love and love. Just let me be your teddy bear. Put a chain around my neck. तो यहाँ पे जो है कि इस तरह के स्ट्रीट आर्टिस्ट मिल जाएंगे आपको हर जगह। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, खेल की जो बूंदा बांदी स्टार्ट हो गई है, बारिश बड़ी मेहरबान है हम पे, जब आए थे तभी बारिश हुई थी, जा रहे हैं तभी बारिश हो रही है।
तो अपार्टमेंट के पास पहुंचते ही बारिश स्टार्ट हो गई है। बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही, तो हम लोग यहीं पे भी जस्ट रुक गए हैं और अभी हम कॉल करेंगे, तो उसके बाद हम लगेज वगैरह वहाँ से उठाएंगे, क्योंकि की वगैरह जो है हम देख के गए थे, जो यहाँ की ऑनर है या जो देखती है, केयर टेकर है। चीकू पापा कैब में नहीं बैठे थे, तो ये देखो चीकू कितना रो रहा है, कितना रो रहा है, देखो ये देखो कितना रो रहा है चीकू। पापा के लिए रो रहे हो आप, पापा के लिए इतना रोओगे आप? हाँ देखो, तो अभी हम लोगों ने कैब वगैरह ले लिया है एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से मेट्रो भी जाती है, लेकिन हमारे पास सामान ज़्यादा है और स्ट्रॉलर लेके ना थोड़ा मेट्रो में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हमने कैब ही ले लिया था। लोग एयरपोर्ट आ गए हैं और उसके पापा ने पूछा है कि चेक इन वगैरह हो रहा है कि नहीं, तो उधर की साइड बता रहे हैं कि वहाँ से होगा, लेकिन हमारा इवनिंग की फ़्लाइट है और इस समय जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, एक सेकंड मैं आपको बता दूँ, 3 o'clock, यहाँ 3 बज गया। हम कहाँ, वहाँ से 2 बजे निकले थे, 2 बजे नहीं 1:30 बजे निकले थे, हमें 1.5 घंटा लग गए यहाँ पे आने में, तो चल रहे हैं, देखते हैं चेक इन वगैरह करा लेते हैं अगर हो रहा है तो। यहाँ हम लोग चेक इन वगैरह करा रहे हैं, लगता है कुछ गड़बड़ कर दी है। तो उसने गलती जो थी बोर्डिंग पास में ही करी थी। दोनों जगह इसके पापा का ही नाम डाल लिया था, मेरे और इसके पापा के बोर्डिंग पास पे, फिर उसने मतलब करेक्ट करके दिया, इसके पापा ने देख लिया था। हमारी फ़्लाइट जो है वो 5:45 बजे की है और हम पोलैंड जो है कि मे बी 12 o'clock तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि हमारा बीच में जैसे जैसे आए थे हम लोग, ले ओवर था हमारा बीच में, ऐसे ही इस फ्लाइट का भी हमारे लाज जाने का भी ऐसी है, सेम हमें चेंज करना है एक फ्लाइट। तो हमारा गेट नंबर 65 है और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चीकू को इसमें बहुत मज़ा आता है, खूब इंजॉय किया, मस्ती किया और बहुत जगह घूमे। तो हमने सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करा ली है और अब हम आराम से बैठ गए हैं। और चीकू को भी बात करनी, चीकू बात करनी है आपको, बात करनी है ये। तो अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं, अब हम लोग पढ़ ही जा रहे हैं, बोल नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग म्यूनिक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और चीकू का जो स्ट्रोलर था उन्होंने सीधा पोलैंड में सेंड कर दिया। तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट हमने यहाँ का स्ट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, पर चीकू के लिए वो फिट नहीं है। अभी हम लोग म्यूनिक एयरपोर्ट पे ही हैं और यहाँ पे देखो वेदर कितना ख़राब हो रखा है, काफ़ी देर से बारिश हो रही है और हमारी जो फ़्लाइट है वो डिले हो चुकी है। इन्होंने तो 40-45 मिनट्स बताया है, बट जब तक वेदर क्लियर नहीं होगा तब तक तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ हो पाएगा। और जितने भी पैसेंजर हैं सब वेट कर रहे हैं।
यहाँ पे कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग अपना मोबाइल भी चला रहे हैं। देखो कब तक क्या हो पाता है, कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं कर रहे हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली वगैरह बहुत कड़क रही है। तो देखो कब तक क्लियर होता है, कब तक हम लोग यहाँ से फ्लाइट लेंगे, कब पहुँचेंगे। तो फाइनली हम जो है कि रोकला पहुँच गए हैं और इतना मौसम ख़राब होते हुए भी तो हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं। कैब कर लिया हमने यहाँ से, तो बस आने ही वाली है। तो कैब आ गई है और चीकू फ़ोन लेके भाग रहा है। चलो बैठो, चलो चलो कैब में बैठो। तो हम लोग अभी कैब में बैठ गए, घर जा रहे हैं, तो जल्दी से घर पहुँच जाए, बहुत लेट हो गए हम लोग। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। रात को काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेट आए इसलिए मैं अपने ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी। तो रात को मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब था, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हमारी फ़्लाइट जो थी काफ़ी देर तक डिले थी। उसके बाद जब थोड़ा बारिश कम हुई उसके बाद हम लोगों ने फ्लाई किया, रात को लेट आए थे, फिर हम लोग सो गए। तो मैं इस ब्लॉग को अपने यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा पेरिस ट्रिप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।